वो खबर जो कि आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, वो खबर जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये है जनता से जुड़ी हुई बड़ी खबर। विधायक और शासन का दावा है कि पूरी व्यवस्था की जा चुकी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए आपको बताते हैं कि सर्वे और आंकड़े क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। ऐसी सभी जगह जहाँ पर खाने पीने के सामान लोगों ने भर कर रख लिए हैं, इसके अलावा काला बाजारी है, तो दाम बढ़ते देखे। सबसे आम चीज आटा और चावल, इनके दामों में बड़ा उछाल है, लोग खरीद नहीं सकते। सभी जगह ये दाम बढ़ चुके हैं। जो पहले 30 रुपए किलो आटा बिकता था, वो अब 50 रुपए की दर पर बिक रहा है। गरीब लोगों का कहना है वो 30 रुपए नहीं खरीद सकते, 50 रुपए में कहाँ से खरीदें। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अचानक से आटे की किल्लत हो गई है, व्यापारियों ने आटा महंगा कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि आटा उतना आ ही नहीं रहा है और लोगों ने ज्यादा खरीद लिया। कुछ व्यापारियों ने इसका कारण बताया कि सप्लाई नहीं हो रही। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आम जनता का क्या दोष है इसमें। आम जनता जो कि अब काम धंधे बंद होने के बाद 30 रुपए का आटा नहीं खरीद सकती थी, वो 50 रुपए का कहाँ से खरीदेगी। ये स्थिति एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने, उत्तर प्रदेश के अमूमन हर जगह, हर शहर, हर कस्बे की यही हालत है। जब इस तरह के असर लखनऊ में दिख रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आटा और सभी सामग्रियां महंगी बिक रही हैं, तो शासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, निर्देश क्यों नहीं जारी कर रही है। ये खुले आम है, वो जाकर अगर चेक करेंगे तो सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी कि किस तरह से सारी दरें महंगी हो गई हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, सप्लाई नहीं होना, काला बाजारी, या बड़ी संख्या में जो लोग वितरित कर रहे हैं उनके कारण बड़ा बड़ा स्टॉक उठा लेने के चलते भी ये समस्या आई है। लेकिन कारण जो भी हो, वो आदमी जिसे कोई राहत ना मिल रही हो, उसको अनाज खरीदना हो, उसको आटा खरीदना हो, और जब वो जाएगा दुकान पे, एक तो आटा नहीं मिल रहा है, ऊपर से 30 रुपए किलो का आटा 50 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं बात करें ब्रांडेड आटा, उनके भी दाम सारे बढ़ चुके हैं, तो वो क्या करेगा। अब भी से असर नजर आ रहा है, यही हालत रही तो अगर एक या दो महीने के लॉकडाउन के समय आटे की किल्लत हो जाएगी। लोग इसी से डर के, लोग खरीद के भी रख रहे हैं। ये भी एक कारण है कि लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो, लोगों को पता है कि काला बाजारी शुरू हो जाती, तो ये डर एक लोगों के अंदर घुस चुका है, जिसके चलते वो बड़ी संख्या में दुकानों से बड़े बड़े बैग और बड़ी बड़ी बोरियां खरीद खरीद के रख रहे हैं। तो क्या शासन इस काला बाजारी पर, बढ़ते हुए दामों पर रोक लगा पाएगी? क्या आम जनता को साधारण दाम पे, हालांकि ऐसी स्थिति में सस्ता मिलना चाहिए, पर सस्ता नहीं तो कम से कम जो दाम में, वाजिब दाम है, उसमें अनाज आटा मिल पाएगा।